मंदसौर कोर्ट का फैसला, शराबी को वाहन देना पड़ा महंगा। कोर्ट ने 24,500 रुपए का लगाया जुर्माना। ग्रामाकिया में कल की थी कार्रवाई। मंदसौर यातायात पुलिस ने कल गुरुवार को तेज गति से हाईवे पर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध इंटरसेप्टर वाहन द्वारा दलोदा थाना के अंतर्गत ग्रामाकिया फोर लेन मार्ग पर कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान हीरो मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन चालक तेज गति से लहराता हुआ वाहन चलाते हुए चेकिंग स्टाफ द्वारा पाया गया। वाहन को रोकने पर शराब जैसी तेज दुर्गंध आनी पाई गई। वाहन चालक को मैं वाहन थाना यातायात मंदसौर पर लाया गया तथा ब्रेथ एनालाइजर उपकरण द्वारा वाहन चालक से शराब की मात्रा चेक की गई और निश्चित पाया गया कि वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाया जा रहा था। उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय जिला मंदसौर में पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 24,500 रुपये जुर्माना किया। यह जुर्माना राशि 17,500 वाहन चालक हीरा लाल पिता रामलाल उर्फ राम नारायण निवासी ग्राम बरखेड़ी तहसील पिपलोदा जिला रतलाम तथा 7,000 वाहन मालिक रविंद्र सिंह पिता बखतावर सिंह निवासी बरखेड़ी तहसील पिपलोदा जिला रतलाम द्वारा देय होगी। कृपया नशाखोर लोगों को अपने वाहन चलाने ना दें, ऐसे लोगों को वाहन देने पर आप भी अपराधी बनेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने रविवार को 1:54 पर बताया कि यह कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरह की कार्रवाई अभी भी जिले भर में अलग अलग थाना क्षेत्र में की जा रही है और सभी लोगों से अपील की है कि अपना टू व्हीलर फोर व्हीलर ऐसे व्यक्ति को ना दें जो शराब का सेवन करते हों और शराब का सेवन कर टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहन चलाते हों। ऐसे में सड़क हादसे का होने का और भी ज़्यादा डर रहता है। ये हम तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध ग्राम आख्या में इंटरसेप्टर व्हीकल की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान शराब पिए हुए तीन जो है लोग बैठे हुए मतलब दिखाई दिए। गाड़ी वो रोकी थी, मोटरसाइकिल थी और ये बरखेड़ा पिपलोदा तहसील पिपलोदा जिला रतलाम निवासी थे और जब गाड़ी उनकी रोकी तो वो नशे में पाए गए और नशे में पाए गए तो गाड़ी को थाने पे लाके और जब्ती में लिया गया और माननीय न्यायालय मंदसौर को चालान पेश किया गया। तो इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा 17,500 रुपये जो चालक था जो वाहन चला रहा था उसके ऊपर किया गया जुर्माना। और ये जो चालक था ये किसी से वाहन जो है वो वाहन उसका खुद का नहीं था, किसी से लेके आया था, तो उसके ऊपर भी जो है 7,000 रुपये का वाहन मालिक पे भी जुर्माना किया गया। इस तरह से कुल 24,500 रुपये का जुर्माना वाहन के ऊपर हुआ है। कौन सी गाड़ी थी सर ये? HF डिलक्स टाइप की गाड़ी थी, 5-6 साल पुरानी टू व्हीलर थी मोटरसाइकिल। तो बाजार की कीमत अभी के हिसाब से 50-60 हज़ार के लगभग रही होगी, लेकिन उसमें उसको 24,500 रुपये जुर्माना उसको भरना पड़ा। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल जारी रहेगी और शराब पी के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मतलब जो है हम वैसे भी सभी थाने जो है जिला मंदसौर में सभी को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, सभी कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि शराब पी के वाहन चलाने पे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें बहुत ही कड़े नियम हैं, तो उनका जो है उल्लंघन ना करें और शराब पी के वाहन चलाने से खुद बचें और किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन अपना वाहन नहीं दें जो शराब पी के चला सकता है या इस तरह के शराबी व्यक्ति जो वाहन चलाते हैं उनको अपना वाहन कृपया बिल्कुल ना दें, नहीं तो जो न्यायालय है वो मालिक को भी बराबर उसमें अपराधी समझता है और जिम्मेदार समझता है। थैंक यू।